अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं बनाने लगी हूँ दाल माश की और ये मैं अपने तरीके से बनाऊंगी और आपको पसंद आएगी। ये आधा चम्मच मैंने जीरे का ले लिया है, आधा चम्मच जीरे का, एक बड़ा टमाटर और दो हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल दी काट के, एक बड़ा प्याज ले लिया है और एक चम्मच भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, आधा चम्मच मैंने सूखे धनिया का पाउडर लिया है, एक चम्मच भर के लाल मिर्चों का पाउडर, एक चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी और ये अदरक ये बाद में ऐड करेंगे और ये मैंने दाल ले ली पाव, पाव से थोड़ी सी ज़्यादा होगी ऊपर। और ये अभी मैं बताती हूँ प्याज ऐड करके ना घी में आपको दिखाती हूँ। एक कप मैंने घी का ले लिया था और इसमें प्याज ऐड करूँगी। और इसको हम थोड़ा सा लाइट ब्राउन कर लेंगे। ये प्याज हमारा हो गया ब्राउन और अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। ये टमाटर भी ऐड करेंगे। ये इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, मसाला जरा नरम हो जाए फिर इसमें हम दाल अभी ऐड करेंगे। ये मसाला हमारा थोड़ा सा भुन चुका है और अब इसमें हम दाल ऐड करेंगे। थोड़ा सा बस इसको मिक्स करेंगे फिर इसमें पानी ऐड करेंगे। ये हम पानी इसमें ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सा और डालेंगे इसमें, ये थोड़ा सा और पानी ऐड कर रहे हैं कि दाल जरा अच्छे से गल जाए। ये गाइस दाल हमारी हो गई तैयार और इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। ये गरम मसाला ऐड किया मैंने और ये धनिया ऐड करेंगे। अब भून लेंगे इसको थोड़ा सा। ये दाल हमारी तैयार होगी और अभी आपको निकाल के इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। और ये है गाइस मेरी डिश की फाइनल लुक। और ये है गाइस मेरी डिश की फाइनल लुक। और ये है गाइस मेरी डिश की फाइनल लुक। और उम्मीद करती हूँ ये आपको दाल बहुत अच्छी लगेगी और आप ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। और उम्मीद करती हूँ ये आपको दाल बहुत अच्छी लगेगी, आप ज़रूर ट्राई करें। और सॉरी थोड़ी सी मुझसे मिक्स हो गई थी बोलने में, तो माजरत करती हूँ।
तो थैंक यू।